जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में है। आज की बात है कर्क राशि की, कि अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अगर गलती से मिल भी जाता है तो वो उसका जो संचित धन जो होता है उसको भी कुछ उसका हिस्सा लेकर के वो चला जाता है। ये आज का एक सूत्र है, समय और भाग्य बहुत बलवान है। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, पराक्रम की पुरुषार्थ की बात करेंगे, घर के सुख की बात करेंगे, माता के सुख की बात करेंगे, संतान की बात करेंगे, आज कोई कर्जा परेशानी दुश्मन उसकी बात करेंगे, पति पत्नी के संबंधों की बात करेंगे और बताएंगे आपको कि शनि महाराज कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे, भाग्य कैसा रहेगा, कर्म कैसा है और लाभ क्या है और खर्चे क्या हैं। सारे खर्चे सारे लाभ अप्रैल महीने में कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। कर मैं ये जो हमारा वीडियो है ये कर्क राशि के ऊपर है, लग्न के ऊपर नहीं है। तो अगर किसी की राशि और किसी की लग्न अगर एक है, अच्छी बात है, सटीक बैठेगा। अदरवाइज ये मून साइन के ऊपर है, तो जिनकी कर्क राशि है वो इसको ज्यादा अमल में लें। तो पहले कर्क राशि की हेल्थ की बात करते हैं। स्वग्रही बृहस्पति भाग्य में बैठा है और कर्क राशि को देख रहा है, साथ में सूर्य देव बैठे हैं, वो भी कर्क राशि को बृहस्पति के द्वारा देख रहे हैं, तो कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। कि जहाँ सूर्य की दृष्टि होती है और जहाँ गुरु की दृष्टि होती है, वह साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई भी इश्यू नहीं होता है। आपको हेल्थ का कोई इश्यू नहीं रहेगा इस महीने, आप निरोग रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे। सेकंड हाउस होता है हमारे धनभाव का। धनभाव का स्वामी भाग्य में बैठा है गुरु के साथ। अभी 14 अप्रैल को ही इनका पदार्पण हुआ है, उससे पहले ये पिछली राशि में थे, पिछली राशि कुंभ राशि में थे, मीन राशि में आए हैं अभी ये। अब मीन राशि से 14 अप्रैल को ये मेष राशि में चले जाएंगे। तो 14 अप्रैल को मेष राशि में जाने के बाद इनका जो प्रभाव हो चुका होगा, तो इस महीने मित्रों कई ग्रह चेंज हो रहे हैं। पहला ग्रह जो अपने प्लेसमेंट चेंज करेगा वो सूर्य है। 14 अप्रैल को प्लेसमेंट चेंज करनी है, उससे पहले 6 अप्रैल को शुक्र ने प्लेसमेंट चेंज करनी है। शुक्र अभी तक मेष राशि में थे, अब निकल करके 6 अप्रैल को अपनी निजी राशि वृष राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति देवता भी 22 अप्रैल को प्लेसमेंट करेंगे मेष राशि में, इनका ट्रांजिट होगा मीन राशि से मेष राशि। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो धनभाव का मालिक है वो, अभी तक तो भाग्य में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, अच्छा फल दे रहा है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद में जैसे ही वो उसका प्रभाव देने के लिए दशम भाव में आएंगे तो वहाँ राहु के साथ उनकी भेंट होगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है पिछले 1 साल से। तो राहु के साथ जो शनि सूर्य का जो एक युति होती है, ये ग्रहण योग लगाती है। सूर्य पिता का कारक होता है, राज्य का कारक होता है, तो पिता का कारक होने से कहीं ना कहीं पिता के जो साथ मिलना चाहिए या पिता के द्वारा जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी करता है। दूसरा, ये पितृ दोष का निर्माण भी करता है। तो जिन जातकों की कुंडली में अंग्रेजी तो गोचर का पितृ दोष है, अगर जेनवन बना हुआ हो किसी कुंडली में, सूर्य राहु की युति नवम दशम भाव में होती है या लग्न में होती है, तो वहाँ पितृ दोष का निर्माण होता है। तो ये पितृ दोष बहुत ज्यादा आदमी को जिंदगी में परेशानी देने वाला होता है। कदम कदम पर ऐसे जातक को निराशा मिलती है, मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो ये तो गोचर का है, 1 महीने का है, और 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे
मेष राशि में दशम भाव में, क्योंकि दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति दोनों कारक हैं, बुध भी कारक है, और कुछ तरीके से अगर देखा जाए तो राहु भी यहाँ एक बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। कारक तो नहीं कह सकते राहु को, लेकिन राहु का प्रभाव अच्छा होता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है ज़्यादातर उनकी कुंडली में दशम भाव का जो राहु है उनको बहुत ऊंचे शिखर पर लेके जाता है। तो जो पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, उनके लिए तो ये राहु और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जनरल जो लोग हैं, सामान्य वर्ग जो है, उसके लिए राहु थोड़ा कहीं ना कहीं व्यवधान दशम भाव में जरूर करेगा। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, तो जो विल पावर है हमारी, पुरुषार्थ का भाव है ये, इसको तृष्णा भाव भी कहते हैं, उपचय भाव भी कहते हैं। इसका स्वामी दशम भाव में बैठा है और दशम भाव में ये बहुत बली होता है, कि जो उपचय भाव हैं तीसरा छठा दसवां और ग्यारहवा चार भाव होते हैं, दसवें को उपचयतम मानते हैं जब उसमें कोई ग्रह बैठा हो। तो यहाँ तो राहु और बुध बैठे हैं, सूर्य और बृहस्पति भी आ गए इस महीने के अंदर, उनका भी ट्रांजिट हुआ है, तो ये तो भाव बहुत बली हो गया। तो दशम भाव से संबंधित जो ये जो जातक कहेंगे, जो प्रोफेशन है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के रहने वाला है, बहुत बढ़िया इनका काम रहने वाला है इस महीने में, क्योंकि उपचय भाव का मालिक बुध स्वयं बैठा है, बुध कारक है, बृहस्पति कारक है, सूर्य कारक है। और देखिए, कारक अगर कोई ग्रह होता है किसी भी भाव का, अगर वो उस भाव में गोचर करता है तो उसको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करता है, उसके बनते हुए काम सारे बनते चले जाते हैं, बिगड़े हुए काम में सुधार आना शुरू हो जाता है, और जिन चीज़ों की उम्मीद एक बार को नहीं होती है वो काम भी ऐसे जातक के लिए हो जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, दशम भाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चार चार ग्रहों का संयोग है, राहु अपना प्रभाव दिखाएगा, बुध अपना प्रभाव दिखाएगा, इसका जो स्वामी है मंगल वो दशम भाव में बैठा है, दशम भाव होता है सॉरी दशम भाव का जो स्वामी है वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर बारहवें भाव में बैठा है, बारहवां भाव होता है विदेश यात्रा का, विदेश का। तो दशम भाव का जो प्रोफेशन है, जो कार्य है, ऐसे लोग अगर विदेशों से कोई संबंध बनाते हैं इस महीने के अंदर, तो उनको बहुत ज़्यादा विदेश से फायदा होने वाला है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहे विदेश के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वैसे भी विदेशों से इनके कोई दोस्त, इनका कोई परिचित, इनके कोई मित्र अगर कोई विदेशों में रहते हैं, तो उनके द्वारा भी इनको कोई ना कोई अपने प्रोफेशन में लाभ अवश्य मिलेगा इस महीने के अंदर। चौथे भाव की बात करते हैं, चौथे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और जो अभी लाभ भाव में बैठे हुए हैं एलेवेंथ हाउस में, तो चौथे भाव से संबंधित जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं, घर का सुख, मकान का, वाहन का सुख, जमीन का सुख, माता का सुख, ये सारे सुखों को बढ़ाने के लिए शुक्र का जो गोचर है वो एकादश भाव में है, अपनी राशि में है, तो चतुर्थ भाव का सुख कर्क राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। केतु है, केतु मंगल का प्रभाव होता है, केतु का मंगल जैसा, तो यहाँ जो मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में आता है, नीच का बनता है, तो कहीं थोड़ी सी माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, बाकी सुख पूरे मिलेंगे। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं, पांचवें भाव का मालिक मंगल बनता है, संतान पक्ष, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, सब हम पंचम भाव से देखते हैं। इस भाव का जो स्वामी है मंगल है, तो ऐसे लोगों को विदेशों से धन की प्राप्ति बिल्कुल होगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी स्वयं विदेश विभाग में बैठा हुआ है बारहवें घर में। तो ऐसे जो लोग हैं अगर वो शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और अगर विदेशों से इनके संबंध है तो और उनको अच्छा रहेगा इनके लिए। विद्या बुद्धि के मामले में देखिए, बृहस्पति और सूर्य दोनों मंगल के जो सेकंड हाउस है मेष राशि को, उसमें विराजमान हो जाएंगे अभी 14 तारीख को और 22 तारीख को। तो पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में ये पंचम भाव बहुत ज़्यादा लाभदायक उनके रहने वाला है। हायर एजुकेशन हो, कहीं इंटरव्यू देना हो, कहीं प्रतियोगिता में बैठना हो, पेपर देने हो, एग्ज़ाम हो कोई बच्चों के, उनके लिए महीना अप्रैल का बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा उनके लिए रेस्पॉन्स आएगा। छठे भाव की बात करते हैं, छठे भाव के सामने बृहस्पति बनता है और बृहस्पति स्वयं दसवें भाव में बैठा हुआ है भाग्य का मालिक बन के,
बाकी का मालिक भी है। तो छठा भाव होता है जॉब का, नौकरी का, दुश्मनों का, कर्जे का, बीमारी का। तो सूर्य के साथ बैठने से बीमारी छू नहीं आएगी पास में। कर्जों से निपटने के लिए बृहस्पति सक्षम है, क्योंकि स्वग्रही बनता है, यहाँ का मालिक बनता है। तो ऐसे जातक के ऊपर कोई कर्जा भी हो रहा है तो इस महीने अप्रैल में, 22 अप्रैल के बाद वो दूर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भाव है सिक्स्थ हाउस, अच्छा भाव है। किसका जो स्वामी है, अगर कोई जॉब लेस है, जॉब नहीं मिल रहा, परेशान है काम के लिए, नौकरी ढूंढ रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 22 अप्रैल के बाद उनकी नौकरी मिलना संभव है कर्क राशि वालों के लिए, और किसी हद तक बिल्कुल नौकरी तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ हाउस में मकर राशि बनती है, मकर राशि के स्वामी एट्थ हाउस में है, अपने भाव से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अपने भाव से दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है परिवार का, धन का भाव होता है। तो सेवंथ हाउस से हमने जो एक विचार करना होता है, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, कोर्ट कचहरी के केस का, या पति पत्नी का, शादी का, विवाह का, तो इस मामले में शनि बहुत सपोर्ट रहे, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे है, परिवार भाव पे, परिवार में बढ़ोतरी होगी, धन बढ़ेगा, शादी ब्याह के संबंध बनेंगे। परिवार बढ़ता कब है? जब शादी ब्याह मंगल कामना होती है। बढ़िया कब होगा? जब हमारा धन बढ़ेगा, काम धंधा बढ़ेगा। काम बढ़ाने के लिए बृहस्पति बैठे हुए हैं दशम भाव में, और धन बढ़ाने के लिए भी बृहस्पति की दृष्टि जा रही है 22 अप्रैल के बाद धन भाव के ऊपर। वहाँ सूर्य की दृष्टि भी जा रही है अपने घर के ऊपर बृहस्पति के साथ, तो धन की कमी नहीं होगी। ये महीना जो लास्ट हफ्ता होगा बहुत अच्छा होगा इनके लिए, और कोई इनकी मंगल कामना पूरी हो सकती है ऐसे जातकों की। घर में कोई किसी का ब्याह सगाई की बात पक्की हो सकती है और उसका रिश्ता पक्का हो सकता है। महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा समय है, धन के मामले में भी और अपने जो पति पत्नी का आपसी रिलेशन था उसके मामले में भी बहुत अच्छा समय इनके लिए। कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी। पीछे दिक्कत थी, काफ़ी परेशानी थी इनको, पति पत्नी में बहुत विवाद मतभेद, काफ़ी वाद विवाद बहुत रहा है 2-3 साल तक, लेकिन अब समय अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का स्वग्रही मालिक अभी भाग्य में ही है, 22 अप्रैल तक यही रहेगा, उसके बाद दशम भाव में जाएगा, वहाँ भी बढ़िया फायदा करेगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, शुक्र स्वयं अपनी राशि का एकादश भाव में बैठा है, लाभ भाव में, बेनिफिट भाव में बैठा है। इनकम सोर्स लगातार बनी रहेगी, सोर्स में कहीं कमी नहीं आएगी, और कुल मिला के जो अप्रैल का महीना है वो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, मैं तो ये कहूँगा बहुत शानदार तरीके से जाने वाला। मैं थोड़ा सा आपको उपाय भी बता दूंगा अगर आपको कोई परेशानी आती है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, एक बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने का हमारा मकसद है कि जैसे ही आप वीडियो हमारा शेयर करेंगे, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपके मित्रों को मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैले, नेटवर्क हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। नेटवर्क तब बढ़ेगा जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे। कुंडली का विश्लेषण करते हैं हम लोग, आपने डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेजिए। सटीक उपाय, सफलतापूर्वक जो कोई उपाय आप कर सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे, और ऐसे बताए जाएंगे जिनसे आपको फायदा होता हो। हम कई हजारों कुंडलियों का विश्लेषण कर चुके हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है, कोई भी दिक्कत किसी को भी आज तक तो भी आई नहीं। बात करते हैं उपाय की। कर्क राशि के लिए जो स्वामी बनता है चंद्रमा बनता है, तो कई बार क्या होता है कि चंद्रमा के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव रहा हो, केतु शनि इनका कोई दुष्प्रभाव हो जाए, या गोचर में भी कई बार चंद्रमा जो है इनके ऊपर से जब विचरण करता है, इन ग्रहों के ऊपर से गोचर करता है, तो कई बार दिमाग में बहुत तनाव पैदा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हर सोमवार को भोले बाबा के ऊपर दूध के अंदर थोड़ा चावल चीनी डाल के भोले बाबा के ऊपर सेवा करनी चाहिए,
मन शांत रहेगा। और अगर किसी को नींद आने की बीमारी है कि नींद नहीं आती रात को, परेशानी है, तो उनके लिए एक थोड़ी सलाह देता हूँ। एक चंद्रमणि आती है, इसको इंग्लिश में मून स्टोन कहते हैं, उस मून स्टोन को सिल्वर की रिंग के अंदर भरवा के, से मैंने ढाला हुआ है, सेकेंड उंगली है सबसे छोटी वाली से दूसरी, इसके अंदर इसको सोमवार के दिन पहने, अच्छी नींद आएगी आपको, बहुत प्यारी नींद आएगी, किसी भी तरह की दिक्कत आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी, कलर नहीं पड़ेगा नींद में। ये वीडियो करके राशि वालों के लिए था, आपको कैसा लगता है अपने विचार दें, कमेंट करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।